जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है एकदम बढ़िया। हम लोग आज पढ़ेंगे बेटा क्लास 9th का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से प्रश्नावली 13.3 क्वेश्चन नंबर 1 से। बेटा इसमें जितने भी स्टार्ट हुए शंकु है, क्या है शंकु है बेटा, हमें शंकु का सारा फार्मूला पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शंकु का जितना भी फार्मूला होता है सब पता होना चाहिए। शंकु क्या होता है बेटा? कोन। कोन आप लोग देखो आइसक्रीम खाए हो सेम वैसे होता है, ठीक है। और जैसे क्रिसमस ईसा मसीह का टोपी देखे हो बेटा आप लोग, सेम शंकु के आकार का होता है, ठीक है। ये हो जाता है बेटा इसके आधार की त्रिज्या। क्या होती है? त्रिज्या होती है। इसको कहते हैं मेरे रसगुल्ला त्रियक ऊंचाई, और इसको क्या कहते हैं? ऊंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊंचाई यच, ठीक है। तो बाबू आर दिया हो, यच दिया हो, यल निकालना हो, तो यल बराबर होता है, यल बराबर होता है इन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये होता है एल का फार्मूला। और वक्र पृष्ठ अगर पूछता है बेटा, क्या पूछता है? वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ क्या होता है कि नीचे के भाग को छोड़ के पूरे का क्षेत्रफल। तो क्या होता है बेटा? पाई आर एल होता है, ठीक है। उसके बाद संपूर्ण पृष्ठ पूछता है। क्या पूछता है? संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है बेटा? पाई आर एल होता है प्लस, ये तो बेटा नीचे के भाग को छोड़ के पूरे का पृष्ठ क्षेत्रफल। अब नीचे वाले भाग का, नीचे वाला भाग कैसा होगा? वृत्ताकार होगा, तो प्लस पाई आर स्क्वायर। और हम आप लोगों को बता चुके हैं, ठीक है, एक वीडियो में अपलोड भी कर चुके हैं। पाई आर कॉमन ले लोगे बेटा, क्या बचेगा? एल प्लस आर। ये हो जाएगा शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। तो आप लोग ये फार्मूला ध्यान से देख लो, इसी पे सारे क्वेश्चन लगेंगे, यही मेन फार्मूला है, ठीक है। अगर इतना फार्मूला आप लोगों को ध्यान से देख लिए फिर सारे क्वेश्चन इसी फार्मूले पे लग जाएंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है बेटा। आ जाओ देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा बाबू, एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। एक शंकु है, क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर पहला, ठीक है। क्या कह रहा है बेटा? एक शंकु है, एक शंकु है, ठीक है, एक शंकु है। इसके आधार का व्यास, ए वाला बेटा व्यास जब देखोगे यहां से यहां तक का, तो कितना दिया है? 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। उसके बाद क्या दिया है इसकी? और इसकी त्रियक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर बेटा। ए वाली ऊंचाइया जो है यल है, दिया है बेटा कितना? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। यह भी समझ में आ गया, ये 10 सेंटीमीटर हो गया। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वक्र पृष्ठ पूछा है, शंकु का व्यास दिया। क्या दिया बेटा? शंकु का व्यास कितना दिया है? 10.5 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या जो होगी बेटा आर, आर बराबर 10.5 बटे 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और यल दिया है बेटा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। वक्र पृष्ठ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? वक्र पृष्ठ क्या होता है? पाई आर यल। पाई का मान कितना होता है बेटा? 22/7। आर का मान कितना है? 10.5/2। यल का मान कितना है? 10 है। काटोगे बेटा 7 × 5 = 35, तो कितना? 7 × 7 होगा बेटा, 7 × 5 = 35। 2 से काट दो, 11 × 2 = 22, तो 11 × 1.5 × 10। 10 का गुणा बेटा 1.5 में करोगे तो हो जाएगा 15। 11 × 15, 15 × 15 = 16, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा इसका क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 1 जो पूछा है, इसका शंकु का वक्र पृष्ठ कितना होगा? 165 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ठीक है। चलो फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रियक ऊंचाई, एक शंकु है बेटा जैसे था वैसे ही रहेगा, इसकी त्रियक ऊंचाई दिया है बेटा। क्या दिया है? त्रियक ऊंचाई दिया है यल, यही होगा बेटा। यल दिया कितना? 21 सेंटीमीटर, ठीक है। यल दिया है 21, त्रियक ऊंचाई 21 मीटर दिया है बेटा। कितना दिया? 21 मीटर दिया है, ठीक है, 21 मीटर दिया है। उसके बाद क्या कहा? आधार का व्यास 24 मीटर है। व्यास दिया है बेटा ए वाला, कितना दिया है? 24 मीटर है, ठीक है।
ये हो जाएगा। अब क्या पूछा है, इसका शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा बेटा, तो देखना क्वेश्चन नंबर कौन सा है, दो है, ध्यान देना बेटा। यल दिया है, यल दिया है 21, यल बराबर 21 मीटर, ठीक है बेटा। उसके बाद व्यास दिया है बेटा, व्यास दिया कितना 24 मीटर, आर बराबर हो जाएगा बेटा 12 मीटर। संपूर्ण पृष्ठ अगर देखा जाए, क्या देखा जाए, संपूर्ण पृष्ठ, तो क्या होगा पाई आर यल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो यहां से बेटा पाई आर कॉमन लेंगे, यल प्लस आर, तो पाई का मान 22/7, आर का मान बेटा, आर का मान है 12 सेंटीमीटर, तो 12। यहाँ पे यल का मान कितना बेटा 21 और आर का मान है 12, करोगे बेटा 22/7 गुड़े 12 गुड़े 21 और 12 कितना हो जाएगा बेटा 33, ये हो जाएगा कितना 33 हो जाएगा, ठीक है। एक काम करो 12 गुड़े 33 कर लेना, ठीक है बेटा। 12 गुड़े 33 करोगे हो जाएगा 22 गुड़े 396/7, जब बेटा 12 गुड़े 33 करोगे तो कितना हो जाएगा 396। अब 22 का गुड़ा बेटा 396 में करोगे तो 8712 आ जाएगा, 8712/7, इतना बेटा मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। अगर भाग दिया होगा भाग दे के लिख देना, 1244.57, ठीक है, कितना 1244.57 मीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका बेटा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दो भी आप लोग समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर दो आप लोग नोट करो, थोड़ा सा इंक डाल ले रहे हैं बेटा, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीन को, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा अच्छे से समझ में आया होगा। फिर देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर तीन, क्वेश्चन नंबर तीन देखते हैं, ठीक है बेटा। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको मिटाएं, दो क्वेश्चन हो गए, आ जाओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा बेटा, एक लंबवती शंकु का वक्र पृष्ठ 880 वर्ग सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। बेटा ये जो आधार की त्रिज्या दिया है इतना, ये दिया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। वक्र पृष्ठ दिया 880 वर्ग सेंटीमीटर, तो बेटा शंकु का वक्र पृष्ठ, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, शंकु का वक्र पृष्ठ कितना है बेटा 880 दिया है, 880 वर्ग सेंटीमीटर बोलो या सेंटीमीटर स्क्वायर, बात एक ही है बेटा। आर बराबर दिया है, आर बराबर दिया कितना 7 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल होता है, अभी को बताए हैं पाई आर एल बराबर हो जाएगा 880, बेटा पाई का मान 22/7, आर का मान 7, एल बराबर 880। क्या पूछा है बेटा, शंकु की त्रियक ऊंचाई पूछा है, तो देखो 7 से 7 कैंसिल, 22 गुणे एल बराबर 880, तो एल बराबर 880/22, 22 चौक 88, तो यल बराबर कितना आएगा 40 सेंटीमीटर के करीब आएगा, ठीक है। ये चीज आप लोग ध्यान देना बेटा, यल बराबर कितना आएगा 40 सेंटीमीटर आ जाएगा, यही होगा इसका आंसर। चलो इसको नोट करो, फिर देखते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर चार क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीन तक एकदम अच्छे से आप लोग कर लिया, आ जाओ क्वेश्चन नंबर चार पे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर चार क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर चार कह रहा है, एक शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेटा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोला है, क्या बोला है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या दिया बाबू, और इसकी त्रियक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, यल बराबर दिया है बेटा 14 सेंटीमीटर, ठीक है। यल बराबर कितना है 14 सेंटीमीटर है। आधार की त्रिज्या शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो पहला बेटा
आधार की क्या निकालना है, आधार की त्रिज्या निकालना है, ठीक है, मतलब आर निकालना है बेटा, ठीक है। तो एक चीज देखना बेटा, वक्र पृष्ठ दिया है, क्या दिया, वक्र पृष्ठ बराबर 308। वक्र पृष्ठ क्या होता है बेटा, पाई आर एल बराबर 308। पाई का मान 22/7, आर नहीं पता है बेटा, यल का मान कितना 14 बराबर 308। इतना कर लोगे बेटा, 7 × 2 = 14, तो करोगे 22 × r है बेटा, r गुणे 2 बराबर 308। तो बाबू r बराबर कितना हो जाएगा देखना, r बराबर होगा 308 गुणे में 2 है बेटा, बटे में 2 और बटे में 22, काट दो 2 से, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10 और 2 × 4 = 8 और 22 × 7 = 154, r बराबर 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, r बराबर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, यही हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को इतना समझ में आया होगा, ठीक है, चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। नहीं, इसमें एक चीज और पूछा था बेटा, सॉरी, क्या पूछा था, आर बराबर आ गया बेटा 7 सेंटीमीटर, यही आया था ना, और यल बराबर कितना दिया था बेटा, 14 सेंटीमीटर, यल बराबर दिया था बेटा 14 सेंटीमीटर, और क्या दिया था बेटा, वक्र पृष्ठ दिया था 308। एक और था, दो क्वेश्चन था बेटा, वक्र पृष्ठ दिया बेटा 308, वक्र पृष्ठ मतलब बेटा पाई आर एल दिया है 308, ठीक है, आर हम लोग निकाले थे ना, उसके बाद लगाना आप लोग, तो देखना कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 ही है। तो अगर संपूर्ण पृष्ठ निकालोगे बेटा, संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है, संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो बेटा पाई आर एल का मान है 308 प्लस पाई का मान है बेटा 22/7, आर स्क्वायर मतलब 7 × 7, यही हो जाएगा बेटा 7 × 7, यही होगा ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर किया जाए यहां से 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 308 प्लस 22/7 = 154, तो 8 × 4 = 12, 5 × 1 = 6 और 3 × 1 = 4, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा बेटा इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है, इसको नोट करो, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है, यह हो गया शंकु के आकार का एक तंबू, जिसकी ऊंचाई कितना बेटा, h बराबर कितना है 10 मीटर है, ठीक है, h बराबर 10 मीटर ऊंचा, उसके आधार की त्रिज्या बेटा 24 मीटर है, आधार की त्रिज्या ये वाला बेटा कितना है 24 मीटर है, ठीक है, आधार की त्रिज्या कितना है 24 मीटर है, ज्ञात कीजिए तंबू की त्रिज्या ऊंचाई, तंबू में लगे कैनवास की लागत 1 मीटर स्क्वायर, कैनवास की लागत 70 रुपये, ठीक है, तो त्रिज्या ऊंचाई पूछा है बेटा, क्या पूछा है, h बराबर दिया है 10 मीटर और r बराबर दिया है 24 मीटर, त्रिज्या ऊंचाई l पूछा है बेटा, और क्या पूछा है, लागत पूछा है, तो l बराबर हम जानते हैं इन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, तो l बराबर इन अंडर रूट r का मान कितना है 24 का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर बेटा 10 का स्क्वायर, l बराबर 24 संयम 576 प्लस 10 × 100, 676 हो जाएगा बेटा, तो यल बराबर कितना होगा 26 हो जाएगा, ठीक है। अब बाबू क्या पूछा है, इसमें कितने कैनवास कितने रुपए लगेंगे, तंबू में लगे कैनवास की लागत, ठीक है बेटा, तो तंबू में लगे कैनवास क्या निकालोगे बेटा, तंबू में लगे कैनवास क्या होगा बेटा, इसके वक्र पृष्ठ के बराबर होगा, ठीक है, पाई आर एल के बराबर, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना बेटा 24 और एल का मान कितना बेटा 26, यही हो जाएगा बेटा क्या, पाई आर एल मतलब इसमें कितने ओ लग रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको बेटा, इसका कैनवास कितने लगेंगे, अब 26 22 और 24 का आप लोग गुणा करना बेटा, आएगा 13728 बटे 7,
ठीक है। अब देखना बेटा एक मीटर स्क्वायर का खर्चा, नहीं तो भाग दे देना सात से, क्या करो सात से भाग दे दो, 1961.14 आएगा। कितना आएगा 1961.14 क्या है बेटा मीटर स्क्वायर। एक मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना लग रहा है बेटा 70 रुपया, तो 1961.14 मीटर स्क्वायर का कितना लगेगा, हो जाएगा बेटा 70 × 1961.14। तो करोगे 70 का गुणा जब उसमें करोगे बेटा तो आएगा लगभग 13.72 रुपया। इसको पूरा अगर ले लिया जाएगा बेटा 73.72 रुपये के करीब आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर बेटा। आज पांच ही क्वेश्चन रहने देते हैं इस वीडियो में, फिर आगे 6 क्वेश्चन और बचेंगे, अगले वीडियो में सॉल्व करा देंगे। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए, ठीक है। थैंक यू सो मच।